उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले झटके लगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दरअसल आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि भाजपा मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, निशंकत कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिनेश अग्रवाल समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के अभी भी कई नेता उनके संपर्क में हैं, जल्द ही अन्य कांग्रेसियों की भी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता का ही जन दबाव है अपने जनप्रतिनिधियों पे कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मॉडल है और पुष्कर धामी जी ने जो राज्य के अंदर जो विकास के कार्य किए हैं ये अपना पर नजीर है। और जन दबाव जब होता है तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो उसे जन दबाव के आगे नतमस्तक होना पड़ता है और यही कारण है कि आज जन दबाव का भी प्रभाव है, मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है और बड़ी संख्या में दोस्त दलों से जुड़ रहे हैं। और ये क्रम मैंने पहले से इनसे कह रहा हूँ, मतदान से एक दिन पूर्व तक, क्योंकि हमने 100% विधानसभा जीतनी है। हमको अगर मैं बड़ी बात बताऊँ तो मेरी आत्मा ये कहती है कि उत्तराखंड के अंदर हम लोग प्रत्येक विधानसभा के अंदर 80 से 85% पोलिंग बूथ ये बीजेपी जीतेगी और कुछ बूथों पर हम 80 से 85% का मार्जिन हमको टोटल पोलिंग का होगा। तो एक बार एक बड़ा प्रभाव है, इस नाते मैं कह सकता हूँ हम लोग आ रहे हैं, उसका हम सबका स्वीकार भी कर रहे हैं और सबको काम भी दे रहे हैं।